हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप फिजिक्स, जहां पर आपको बीएससी एमएससी फिजिक्स की प्रिपरेशन कराई जाती है और साथ ही साथ ये भी बताया जाता है कि एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर आपको किस तरह से लिख के आना है, किस इजी लैंग्वेज में आपको आंसर करना है। तो एमएससी फिजिक्स का जो पेपर है क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, उसके हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहे हैं। यूनिट फर्स्ट के अभी हमारे पास क्वेश्चन चल रहे हैं। कल भी हमने इसका एक क्वेश्चन किया था, तो जिन लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां जाकर उस लिंक को फॉलो करके वो लेक्चर देख सकते हैं। आज भी हम इसका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेने वाले हैं जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। में जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें पूछा गया है, शो दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल सेटिस्फाइज लैपलास एंड पॉइजन इक्वेशन। में क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, जिसको हम फाई कहते हैं, वो लैपलास और पॉइजन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले तो हम बात कर लें कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है उसको हम किससे शो करते हैं, उसको हम शो करते हैं फाई से। उसको हम किससे शो करते हैं, फाई से, है ना। ये हमने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है उसको हम किससे शो करते हैं, फाई से। तो ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है। ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। लैपलास इक्वेशन क्या है और पॉइजन इक्वेशन क्या है। तो पॉइजन इक्वेशन क्या थी, डेल टू फाई इक्वल्स टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तो थी कौन सी इक्वेशन, ये थी पॉइजन इक्वेशन, ठीक है। ये कौन सी इक्वेशन थी, पॉइजन इक्वेशन। और डेल टू फाई इक्वल्स टू जीरो, ये कौन सी इक्वेशन थी, लैपलास इक्वेशन। ये कौन सी इक्वेशन थी, लैपलास इक्वेशन। तो हमें ये प्रूव करना है कि यदि मैं फाई की जो वैल्यू है उसको यहाँ डाल देता हूँ इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में, तो ये दोनों जो इक्वेशन है, ये राइट हैंड साइड और एलएचएस, ये दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। ये हमें प्रूव करना है। इसको कैसे प्रूव करें, तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि जो फाई है उसकी वैल्यू क्या होती है। तो हम ये पढ़ चुके हैं कि जो फाई है उसकी वैल्यू वो तो हम क्या लिखते हैं, तो वी नो दैट क्या, जो फाई है, फाई आर, वो बराबर होता है किसके, वो बराबर होता है के तो आर प्राइम डीवी अपॉन आर, के रो आर प्राइम डीवी अपॉन आर। ये हमने पढ़ा था जब हमने पढ़ा था कि जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका कर्ल वेक्टर जीरो होता है, और उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात की। वहां से हमारे पास ये पोटेंशियल की वैल्यू है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब हमें ये शो करना है, ये प्रूव करना है कि इस फाई को यदि इसमें डेल ऑपरेटर के साथ रख दूं तो मेरे को एक बार तो ये मिल जाएगा माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और एक बार मिल जाएगा जीरो। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसके हम दो केस बनाएंगे। एक बार हम सेटिस्फाई कराएंगे लैपलास इक्वेशन को, और एक बार हम सेटिस्फाई कराएंगे पॉइजन इक्वेशन। सबसे पहले बना लेते हैं हम केस फर्स्ट। तो केस फर्स्ट में हम क्या बनाएंगे, मैं लिखूंगा कैसे, डेल स्क्वायर फाई, डेल टू फाई, डेल टू फाई। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ डेल टू, और ये जो फाई है इसकी जगह ये वैल्यू डाल देता हूँ। तो इसकी जगह ये वैल्यू डालूंगा तो क्या हो जाएगा, के रो आर प्राइम डी वी ओवर आर, ये हो जाएगा। अच्छा, अब ये जो डेल स्क्वायर है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डेल डॉट डेल, और उसके बाद ये वापस वैल्यू लिख दी मैंने के रो आर प्राइम और डी वी ओवर आर। इतना हम कर सकते हैं, इतना सबको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान काम है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली चीज नहीं होनी चाहिए। आगे जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको अगर मैं बाहर निकाल दूं, कांस्टेंट टर्म्स कौन कौन से हैं, मेरे पास लिखा हुआ है रो डेल डेल, और कांस्टेंट टर्म्स जो हैं उनको मैं अगर बाहर निकालता हूं तो कांस्टेंट क्या क्या है, के है ना, इसको बड़े ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, के रो आर डी वी, और उसके बाद जो वन अपॉन आर है उसको मैं लिख दू डेल के साथ, डेल वन अपॉन, ऐसे लिख दिया। तो अगर इसको फर्दर मैं सिंप्लीफाई करूं तो मेरे को क्या दिख रहा है, के फिर बाहर निकाल लिया मैंने, रो आर डी वी, और यहां से मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, डेल स्क्वायर अपॉन वन अपॉन आर की। यानी कि कुल मिला के अगर मैं सबसे पहले इसकी वैल्यू निकाल लूं और इसको मल्टीप्लाई कराता हूँ इस फंक्शन के साथ, तो मेरा काम हो जाएगा, यानी कि मेरे को आंसर मिल जाएगा। अब मेरे को करना क्या है, मेरे को इसकी वैल्यू चाहिए, इसको वैल्यू निकालने के लिए मैंने इसको अलग कर लिया, इस पूरे फंक्शन से इसको अलग कर लिया, यानी कि डेल स्क्वायर
वन अपॉन आर, जिसको कि हम कैसे लिख सकते हैं, डेल डॉट डेल वन अपॉन आर। अब हमने इसके पहले के एक्सप्रेशन में ये पढ़ा था कि डेल वन अपॉन आर की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो वी नो दैट डेल वन अपॉन आर, वन अपॉन आर बराबर होता है माइनस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब के। ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, और जिन लोगों ने ये नहीं पढ़ा है या जिन लोगों ने को ये नहीं पता है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर इसे देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तो हमारे पास डेल वन अपॉन आर की वैल्यू आ गई जो है माइनस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, यानी कि ये वैल्यू को अगर मैं इस इक्वेशन में रख देता हूँ, ठीक है, इस इक्वेशन में मैं इसको ट्रांसफर करा देता हूँ, मेरे को क्या दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है डेल डॉट और ये पूरी की पूरी वैल्यू माइनस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, जिसको कि लिखा जा सकता है माइनस बाहर आ गया डेल आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब और ये डॉट प्रोडक्ट। अच्छा, अब क्या करेंगे आगे, अब क्या करेंगे कि हमें ये पता होता है जो डेल ऑपरेटर है इसका मतलब क्या होता है, डेल अपॉन डेल एक्स आई केप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे केप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के केप, ये होता है इसका मतलब। अब मैं इनका क्या करूंगा, डॉट प्रोडक्ट कराऊंगा। डॉट प्रोडक्ट कैसे कराऊंगा, सबसे पहले आर जो वेक्टर है, आर वेक्टर की वैल्यू क्या होती है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये वैल्यू होती है। तो अब इन वैल्यूज को मैं सब्सटीट्यूट करने वाला हूँ। इन वैल्यूज को आप सब्सटीट्यूट करोगे तो ये जो वैल्यू है माइनस डेल डॉट आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस इसको मैंने लिख दिया डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप, और उसके बाद आर वेक्टर जो है उसको लिखा एक्स अपॉन आर क्यूब आई कैप प्लस वाई अपॉन आर क्यूब जे कैप प्लस जेड अपॉन आर क्यूब के कैप, ऐसे लिख दिया। इनका डॉट प्रोडक्ट कराएंगे, डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो माइनस बाहर है, ये बनेगा क्या, डेल अपॉन डेल एक्स, ये बनेगा x अपॉन आर क्यूब प्लस डेल अपॉन डेल वाई, ये बनेगा y अपॉन आर क्यूब और प्लस डेल अपॉन डेल जेड, ये बनेगा z अपॉन आर क्यूब, ये बन गया। इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर सेकंड, और इसके पहले की जो इक्वेशन आई थी यानी कि ये वाली इक्वेशन, इसको मैं नंबर देता हूँ फर्स्ट। तो अब मैंने ये इक्वेशंस को नंबर दे दिया, तो दो नंबर की जो इक्वेशन है यानी कि ये वाली इक्वेशन, इस इक्वेशन में मैं वैल्यू निकाल लेता हूँ तीनों ऑपरेटर्स की, यानी कि डेल अपॉन डेल एक्स एक्स अपॉन आर क्यूब, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल लूँ, फिर इस एक्सप्रेशन की और फिर इस एक्सप्रेशन की। तो इन एक्सप्रेशन की अगर मैं वैल्यू निकाल लेता हूँ मेरा काम आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने ये वाला पकड़ा यानी कि डेल अपॉन डेल एक्स और एक्स अपॉन आर क्यूब। देखो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, इसका डिफरेंशिएट करोगे यूवी मेथड से। यूवी मेथड से क्यों करोगे, क्योंकि यहाँ पर दोनों वेरिएबल है, एक्स भी वेरिएबल है और आर भी वेरिएबल है। एक बार एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो उस टाइम आर क्यूब वन अपॉन आर क्यूब कॉन्स्टेंट रहेगा, फिर वन अपॉन आर क्यूब का डिफरेंशिएशन करोगे तो एक्स क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। सबसे पहले अगर एक्स का करते हो तो वन अपॉन आर क्यूब कॉन्स्टेंट रहा, ये बाहर लिखा गया, और इसका आपने कर दिया डिफरेंशिएशन यानी कि डी एक्स अपॉन डी एक्स। फिर आपको करना है किसका, वन अपॉन आर क्यूब का। तो वन अपॉन आर क्यूब का डिफरेंशिएशन करोगे तो ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो आर पावर माइनस थ्री बनेगा, तो उसका डिफरेंशिएशन होगा माइनस थ्री आर की पावर माइनस फोर जो नीचे आ जाएगा, तो डिफरेंशिएशन हो गया ये कुछ ऐसे बनेगा आर पावर फोर, फिर आर का पार्शियल डिफरेंशिएशन यानी कि डी आर अपॉन डी एक्स, ये बन जाएगा। अब डी एक्स अपॉन डी एक्स तो हो जाएगा वन, तो ये तो हो गया वन अपॉन आर क्यूब माइनस थ्री एक्स पावर आर पावर फोर, और ये रह गया यहाँ पर डी आर अपॉन डी एक्स। अब मेरे को इसका डिफरेंशिएशन चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसकी वैल्यू हमने कई बार पहले वाले जो क्वेश्चन से उनमें फाइंड आउट करी है। तो जो आर वेक्टर है, जो आर है, ये आर का मतलब क्या है, मॉड ऑफ आर, इस आर का मतलब है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो डी आर अपॉन डी एक्स यहाँ कितना आ जाएगा, वन अपॉन टू आर, और ये आ जाएगा 2x, तो ये खत्म हो गया, ये हो गया x अपॉन आर। कुल मिलाकर जो मेरी वैल्यू बनेगी किसकी, इसकी, डेल अपॉन डेल x x अपॉन आर क्यूब की जो वैल्यू बनने वाली है बनेगी 1 अपॉन आर क्यूब माइनस 3x,
डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कितनी आई, एक्स अपॉन आर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन आर पावर फाइव, ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन आर पावर फाइव, ठीक है। तो यहाँ तक की तो ये वैल्यू आ गई। इसी तरह से इसकी जैसे हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं इस एक्सप्रेशन की, यानी कि डेल अपॉन डेल वाई वाई अपॉन आर क्यूब की, और डेल अपॉन जेड जेड अपॉन आर क्यूब की। सिमिलरली अगर आप वैल्यू लिखते हैं डेल अपॉन डेल वाई वाई अपॉन आर क्यूब, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, वन अपॉन आर क्यूब माइनस थ्री वाई स्क्वायर अपॉन आर पावर फाइव। और इसी तरह से आप वैल्यू लिखते हैं डेल अपॉन डेल जेड जेड अपॉन आर क्यूब, ये वैल्यू भी आ जाएगी वन अपॉन आर क्यूब माइनस थ्री जेड स्क्वायर अपॉन आर पावर फाइव। तो यहाँ पर मेरे पास तीनों एक्सप्रेशंस की वैल्यू आ गई, और इन तीनों को मैं पुट कर दूंगा कहाँ पर, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो डेल स्क्वायर वन अपॉन आर की वैल्यू जो है, एक एक करके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, तो पहले एक्सप्रेशन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या बनेगा, वन अपॉन आर क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर अपॉन आर पावर फाइव। दूसरे का करोगे तो वन अपॉन आर क्यूब माइनस थ्री वाई स्क्वायर अपॉन आर पावर फाइव। फिर तीसरे का वन अपॉन आर क्यूब माइनस थ्री जेड स्क्वायर अपॉन आर पावर फाइव, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, देखो वन वन और वन कितना हो गया थ्री अपॉन आर क्यूब, और इन तीनों में से इसमें से और इसमें से कॉमन आ जाएगा थ्री अपॉन आर पावर फाइव, तो बचेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर प्लस पे, यहाँ हो गया माइनस, ये हो जाएगा थ्री अपॉन आर क्यूब माइनस कॉमन आ गया थ्री अपॉन आर पावर फाइव, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया, देखो क्या बनेगा, सिंस आर बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसलिए जो आर स्क्वायर है वो किसके बराबर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो क्या बनेगा, डेल स्क्वायर वन अपॉन आर इक्वल्स टू माइनस थ्री अपॉन आर क्यूब माइनस ये थ्री आर स्क्वायर अपॉन आर पावर फाइव, फर्दर सॉल्व करके ये बनेगा माइनस थ्री अपॉन आर स्क्वायर आर क्यूब, और ये भी बन गया थ्री अपॉन आर क्यूब। अगर आप ध्यान से देखें तो ये हो गया प्लस का और ये हो गया माइनस का, तो इसका आंसर कितना आ गया, जीरो, ठीक है। इसका आंसर कितना आ गया, जीरो। ये जो पूरा फंक्शन है डेल स्क्वायर अपॉन डेल स्क्वायर वन अपॉन आर की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। हेंस फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, इक्वेशन फर्स्ट जो थी वो थी डेल स्क्वायर फाइव इक्वल्स टू डेल स्क्वायर के रो आर डी वी वन अपॉन आर। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, डेल स्क्वायर फाइव डेल स्क्वायर के आर प्राइम डी वी अपॉन आर, डेल स्क्वायर फंक्शन वन अपॉन आर की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, जीरो। अगर ये जीरो आता है इसका मतलब ये कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, लैपलास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। पर यहाँ पर एक कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि हम आर की वैल्यू को जीरो नहीं कर सकते। यदि हम आर की वैल्यू को जीरो कर देंगे तो ये जो फंक्शन है ये अनडिफाइंड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वन अपॉन आर क्या दे देगा, इनफाइनाइट दे देगा, एक्सेप्ट आर इक्वल्स टू जीरो। उसके अलावा ये जो पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ये किसको सेटिस्फाई करेगा, लैपलास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। हेंस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल सेटिस्फाई लैपलास इक्वेशन एक्सेप्ट आर इक्वल्स टू जीरो। आर इक्वल्स टू जीरो को छोड़ के ये लैपलास इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, एक्सेप्ट इक्वल्स टू जीरो।
तो यहाँ तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन तो हो गई सेटिस्फाई, जिसमें हमें क्या सेटिस्फाई करना था कि जो लैपलास इक्वेशन है उसको ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। दूसरा हमें किसको सेटिस्फाई कराना है, हमें सेटिस्फाई कराना है पॉइजन इक्वेशन। पॉइजन इक्वेशन के लिए हम बना लेते हैं केस सेकंड, बनाएंगे हम कौन सा केस, केस सेकंड। तो केस सेकंड वापस से मैं एक बार लिख लेता हूँ, डेल स्क्वायर फाई, डेल स्क्वायर फाई जो है वो किसके बराबर था, वो बराबर था के रो आर प्राइम डीवी ओवर, जिसको कि फर्दर हम लिख सकते हैं डेल डॉट डेल डेल के रो प्राइम डीवी ओवर। इसको फर्दर हम कैसे लिख सकते हैं, फर्दर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं के बाहर रो आर प्राइम डीवी बाहर डेल डेल वन अपॉन आर, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और इसका लगा दिया मैंने इंटीग्रेशन। अब हम यूज करेंगे किसका, गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम का, गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम, गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम। गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम जो है वो क्या कहती है, यदि सरफेस इंटीग्रल है किसी वेक्टर क्वांटिटी का, किसी क्वांटिटी का यदि सरफेस इंटीग्रल है तो उसे आप वॉल्यूम इंटीग्रेशन में चेंज कर सकते हैं। कैसे करोगे, डेल ए डीवी, इस तरह से करोगे। अब हम क्या करने वाले हैं, ये हमारे पास लिखा हुआ है वॉल्यूम इंटीग्रल, इसको हमें चेंज करना है किसमें, सरफेस इंटीग्रल में। कैसे करेंगे, देखो इसको उल्टा करने वाला है ना, तो वॉल्यूम इंटीग्रल वाला प्रोडक्ट कौन सा बन रहा है हमारा, ये बन रहा है डेल डेल अपॉन आर डीवी, ठीक है। अब यहाँ पर ए जो है, ए इस ए का काम कौन कर रहा है, इस ए का काम कर रहा है ये डेल वन अपॉन आर, डेल वन अपॉन आर किसका काम कर रहा है, इस ए का काम कर रहा है। यहाँ पर क्या बन जाएगा, ए यानी कि ए डॉट डी एस, डेल वन अपॉन आर इंटू डी एस, और इसका क्या लग जाएगा, साइक्लिक इंटीग्रेशन लग जाएगा। यानी कि इस पूरी क्वांटिटी को, इस पूरी क्वांटिटी को हटाकर मैं क्या लिख सकता हूँ, ये कौन सी क्वांटिटी की मैं बात कर रहा हूँ, मैं इस क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ, इस क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इस पूरी क्वांटिटी को हटाकर मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ इसके अकॉर्डिंग, इस गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो अब हमारी जो इक्वेशन है क्या बनेगी, तो देयरफॉर डेल स्क्वायर फाई इक्वल्स टू, ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ये लिख दिया इसकी जगह, तो के रो आर प्राइम, अब ये बन जाएगा क्या, ये डॉट प्रोडक्ट में है, डेल वन अपॉन आर डॉट प्रोडक्ट डी एस, ठीक। नेक्स्ट पेज पर चलें, इसको एक बार वापस लिख लेता हूँ, डेल स्क्वायर फाइव के रो आर प्राइम, और ये बन गया डेल वन अपॉन आर और डॉट डी एस, ठीक है। अब डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट प्रोडक्ट को हम ओपन करेंगे, डॉट प्रोडक्ट को हम एक्सपेंड करेंगे तो क्या लिखा जाएगा, के टू आर प्राइम, और इस डॉट प्रोडक्ट को हमने अगर, ये साइक्लिक इंटीग्रल है तो इसको हमने अगर एक्सपेंड किया तो ये क्या बनेगा, डेल वन अपॉन आर, ये बनेगा डी एस कॉस थीटा। अच्छा अब हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि डेल वन अपॉन आर की वैल्यू, ठीक है, वी टू दैट डेल वन अपॉन आर जो है किसके बराबर होता है, माइनस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस आर यूनिट वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो यूनिट वेक्टर होता है आर यूनिट वेक्टर वो बराबर होता है आर वेक्टर अपॉन मोड ऑफ आर। तो ये वैल्यू को हम रिप्लेस कर देंगे यहाँ पर, तो डेल स्क्वायर फाइव इक्वल्स टू के रो आर, साइक्लिक इंटीग्रेशन। यहाँ से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ये वाला माइनस आर यूनिट वेक्टर ऑन आर स्क्वायर, और ये क्या बन गया, डी एस कॉस थीटा, ठीक है। अब हमें एक चीज पता है, सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल जो है, सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल जिसको हम डी डब्ल्यू से लिखते थे वो तो किसके बराबर होता है, डी एस कॉस थीटा ओवर आर स्क्वायर। ये जो वाली जो चीज है ये किसके बराबर लिखी हुई है, सॉलिड एंगल के बराबर लिखी हुई है, इसको हम रिप्लेस कर देंगे किससे, डी डब्ल्यू से, इसको डी डब्ल्यू से रिप्लेस करोगे तो ये बनेगा डेल स्क्वायर फाई
इक्वल्स टू के रू आर रू प्राइम आर, ये बन जाएगा माइनस बाहर ले लिया, ये बन जाएगा क्या डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू यानी कि सॉलिड एंगल। तो हम ये जानते हैं कि किसी भी क्लोज इंटीग्रेशन के लिए, क्लोज इंटीग्रेशन के लिए जो सॉलिड एंगल है उसकी वैल्यू कितनी होती है 4 पाई, ठीक है। वी नो दैट दैट फॉर अ क्लोज्ड इंटीग्रेशन, क्लोज्ड इंटीग्रेशन dw इज इक्वल्स टू कितना होता है 4 पाई। तो ये वैल्यू को हम यहां पर रिप्लेस करेंगे तो डेल स्क्वायर फाई इक्वल्स टू माइनस के रू आर, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई 4 पाई। अब यहां पर जो k है उसकी वैल्यू को लिखेंगे, तो k की जो वैल्यू है वो क्या होती है, k की वैल्यू होती है माइनस ये 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा रू आर और ये हो जाएगा 4 पाई। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो ये कितना बन गया डेल स्क्वायर फाई इक्वल्स टू माइनस रू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई पॉइजन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन पॉइजन इक्वेशन, ठीक है। तो इस तरह से हमने दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई किया, लैपलास इक्वेशन को भी और पॉइजन इक्वेशन को भी। होपफुली ये पूरा जो डेरिवेशन है आप लोगों को समझ में आया होगा, और बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने इसे समझाने की कोशिश की है, एंड आई होप आप इसे समझ भी गए होंगे। अगर आप लेक्चर को पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ अपने जो कलीग्स हैं, अपने जो बैचमेट्स हैं, उनके साथ जो लेक्चर है उसे शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ें पहुँच सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। टिल देन थैंक यू।